गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल रानिया की ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक कर रहे हैं, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार या उत्पादन के निर्धारण से संबंधित मुख्यतः दो सिद्धांत प्रचलित हैं, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत और दूसरा रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत और दूसरा केन्ज का रोजगार सिद्धांत। तो आज हम रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की व्याख्या करेंगे। तो इसकी हम पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में जाना था, तो अब हम इसकी एजम्पशन देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। एजम्पशन रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की मान्यताएं। तो पहली इसकी एजम्पशन है, विचारवान मनुष्य रेशनल मैन, विचारवान मनुष्य इसका क्या अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं, उस जो व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है उसे हम अर्थशास्त्र में विचारवान मनुष्य कहते हैं। दूसरी इसकी है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, लेजेज फेयर अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है इसका क्या अर्थ है, सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन के निर्धारण के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, यह केवल बाजार की स्थितियों बाजार की आर्थिक शक्तियों द्वारा ही निर्धारित होता है। तीसरा इसका है पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बंद है, किसी भी प्रकार का निर्यात और आयात नहीं होता, स्थिर तकनीक, कॉन्स्टेंट टेक्निक, जो उत्पादन तकनीक है वो स्थिर रहती है, जिस प्रकार की है उसी प्रकार की रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट इसकी है मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, मनी इज ओनली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसे मुद्रा धन इकट्ठा करने में या अन्य कोई कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता, ये केवल और केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है। नेक्स्ट इसके कीमतों की लोचशीलता,
फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसेज, कीमतें लोचशील हैं, वस्तुओं की कीमतें कम या अधिक हो सकती है। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन है मौद्रिक तथा वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है। इसका अर्थ है मौद्रिक मजदूरी बढ़ाने पे वास्तविक मजदूरी में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है बचत तथा निवेश में समानता। बचत तथा निवेश में समानता पाई जाती है और यदि किसी कारण ये असमान हो जाते हैं तो ब्याज की दर में इस तरह के परिवर्तन होंगे कि बचत तथा निवेश बराबर हो जाएं दोबारा। नेक्स्ट इसकी है घटते सीमांत प्रतिफल का नियम। उत्पादन जो हो रहा है वो घटते सीमांत प्रतिफल के अनुसार हो रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ घटते सीमांत प्रतिफल। जैसे जैसे उत्पादन के अन्य साधनों के साथ किसी साधन की एक इकाई का अधिक प्रयोग किया जाता है तो जो उस इकाई का सीमांत उत्पादन है वो जैसे जैसे अधिक इकाइयां लगाई जाती है कम होता जाता है। तो ये 10 एजम्पशन हैं रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की। अब इसमें देखेंगे उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण कैसे होता है रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार। डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण किस तरह से होता है तो परंपरावादी अर्थ सिद्धांत के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा रोजगार का निर्धारण उत्पादन फलन तथा श्रम की मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। श्रम की मांग तथा पूर्ति के संतुलन द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्पादन फलन क्या होता है उत्पादन के साधनों तथा एवं उत्पादन की मात्रा में संबंध प्रकट करता है। उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की मात्रा में संबंध प्रकट करता है। उत्पादन फलन किस किस तरह से होता है ये देखेंगे। ये है उत्पादन फलन। पी इज ए फंक्शन ऑफ एन के एल एंड टी। यहाँ पी क्या है प्रोडक्शन, एन एम्प्लॉयमेंट या रोजगार, के कैपिटल, एल लैंड, टी टेक्निक। टेक्निक इसमें अल्प काल में क्या होता है इन शॉर्ट पीरियड के कैपिटल लैंड एंड टेक्निक स्थिर रहते हैं तो पी क्या आ जाएगा प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ एन। उत्पादन है वो फलन है रोजगार का। अल्पकाल में जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा तथा रोजगार को बढ़ाएंगे तो उत्पादन भी बढ़ता जाता है परंतु एक सीमा के पश्चात
उत्पादन के बढ़ने की दर अर्थात सीमांत उत्पादन कम हो जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अल्पकाल में उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। तो इसको हम डायग्राम से देखेंगे। ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई, ओ एक्स एक्स पे हम लेंगे रोजगार या एम्प्लॉयमेंट, ओ वाई पे प्रोडक्शन या उत्पादन, प्रोडक्शन या उत्पादन। अब देखेंगे OS है वो क्या है, OS उत्पादन फलन या उत्पादन वक्र, प्रोडक्शन कर्व। ये डायग्राम ड्रॉ किया है हमने। OX एक्सिस पे रोजगार लिया है, OY एक्सिस पे उत्पादन या प्रोडक्शन। जब ON श्रमिकों को हम काम पर लगाते हैं तो उत्पादन OP है, और जब श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर ON से ON1 कर दी जाती है तो उत्पादन बढ़कर OP1 हो जाता है। इसी तरह से जब श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर हम ON2 कर देते हैं तो उत्पादन बढ़कर OP2 हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है उत्पादन भी बढ़ रहा है। ON1 से ON2 तक जब हम श्रमिकों को बढ़ाते हैं तो श्रमिक N1 से N2 के बराबर बढ़ाए हमने, पर उत्पादन इससे कम बढ़ा, तो इसका क्या अर्थ है कि उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है। अर्थात जितने श्रमिकों की संख्या को बढ़ाई जाती है उसी मात्रा में उत्पादन नहीं बढ़ रहा, उससे कम बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से उत्पादन फलन, रोजगार और उत्पादन में संबंध देखते हैं हम प्रोडक्शन कर्व से। तो किसी अब देखेंगे किसी अर्थव्यवस्था में जो रोजगार की मात्रा है वो श्रम की मांग, डिमांड ऑफ फॉर लेबर, एंड सप्लाई ऑफ लेबर पर निर्भर करती है। किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति के संतुलन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो श्रम की मांग ज्ञात करेंगे पहले क्या होती है। श्रम की मांग डिमांड फॉर लेबर कोई उत्पादक श्रम की मांग क्यों करता है, क्योंकि श्रम से उसे उत्पादकता प्राप्त होती है। इस कारण श्रम की वो मांग करता है।
और श्रम की मांग वो कोई उत्पादक उस सीमा तक करेगा जिस पर श्रम को दी जाने वाली मजदूरी उसकी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर हो जाए। किस सीमा तक कोई उत्पादक करेगा? जब किसी मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी उसकी सीमांत आय उत्पादकता के बराबर हो जाए तो उस सीमा तक वो श्रम को रोजगार पर लगाएगा। तो इसमें मैथमेटिक्स टर्म में लिखेंगे हम W। W क्या है? वेजेज या मजदूरी। सीमांत आय उत्पादकता मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी इनटू प्राइस। सीमांत आय उत्पादकता इज इक्वल टू सीमांत भौतिक उत्पादकता गुणा कीमत। तो इसको निकालेंगे W बाई पी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे MPP। इसका एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, W इज इक्वल टू MPP इंटू पी, सीमांत भौतिक उत्पादकता गुणा प्राइस। पी को यहाँ लेंगे, W बाई पी इज इक्वल टू सीमांत भौतिक उत्पादकता। तो ये क्या हो गया? W बाई पी वास्तविक मजदूरी, रियल वेज, और MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी सीमांत भौतिक उत्पादकता। तो वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य जब बराबर हो जाए तो इस स्तर पे श्रम की मांग की जाएगी किसी उत्पादक द्वारा, जब उसको दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी उसके सीमांत भौतिक उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो जाए। और सीमांत भौतिक उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? अन्य बातें समान रहने पर श्रम की एक अधिक इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादकता में होने वाली वृद्धि से है। सीमांत भौतिक उत्पादकता से अभिप्राय श्रम की एक इकाई का अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादकता में होने वाले परिवर्तन से है। तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जैसे जैसे श्रम की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन है वो घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार होता है। तो कोई उत्पादक बढ़ती हुई श्रम की इकाइयों को तभी काम पर लगाएगा जब उसे कम मजदूरी देनी पड़े। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो श्रम की अधिक इकाइयों को लगाता जाएगा उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता कम होती जाएगी। तो वो उसी समय श्रम की अधिक इकाइयों को लगाना उस समय तक पसंद करेगा जब उनको दी जाने वाली वास्तविक मजदूरी उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के मूल्य के बराबर हो जाए। तो वो श्रम की अधिक इकाइयों को उस समय लगाएगा जब उसे अधिक इकाइयों को काम पर लगाने के लिए कम मजदूरी देनी पड़े। तो श्रम की जो मांग है वो क्या होती है? जब मजदूरी अधिक होगी वास्तविक मजदूरी तो उत्पादक कम मजदूरों को काम पर लगाएगा, और जब वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी तो वो अधिक मजदूरों को काम पर लगाएगा। तो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी, श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का घटता हुआ फलन है। इसका क्या अर्थ है? मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की मांग है वो कम कर देगा उत्पादक। श्रम की मांग कम होगी और मजदूरी के घटने पर श्रम की मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से श्रम जो मांग वक्र है उसको डायग्राम से देखेंगे। OX एक्सिस पे
हम क्या लेंगे, क्वांटिटी ऑफ लेबर ओ वाई एक्सिस पे, रियल वेज, और ये श्रम का मांग बकर डिमांड कर्व फॉर लेबर हम ड्रॉ करेंगे। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो, जब वास्तविक मजदूरी ज़्यादा है तो श्रम की मांग कम है, जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी कम हो रही है श्रम की मांग घट रही है, तो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी का घटता हुआ फलन है। इसी तरह से अब श्रम की पूर्ति देखेंगे, तो श्रम की पूर्ति से प्राय श्रमिकों की उस संख्या से है श्रम की पूर्ति से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तविक मजदूरी के एक निश्चित स्तर पर या दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक श्रमिक को काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तथा आराम का त्याग करना पड़ता है या अनुपयोगिता उठानी पड़ती है। अतएव एक श्रमिक उतनी ही श्रम की पूर्ति करेगा जिसके फलस्वरूप उसे मिलने वाली वास्तविक मजदूरी की सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाएगी, काम करने के कारण होने वाली सीमांत अनुपयोगिता। तो इस तरह से श्रम की पूर्ति है वो जनरली वास्तविक मजदूरी के कम होने पर मजदूर कम श्रम की पूर्ति करेंगे और वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ा देंगे। तो इस तरह से श्रमिकों का पूर्ति देखेंगे हम, सप्लाई किस तरह से होती है, वास्तविक मजदूरी के साथ इसका क्या संबंध है। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे पहले की तरह क्वांटिटी ऑफ लेबर, ओ वाई पे रियल वेज वास्तविक मजदूरी, और ये ड्रॉ करेंगे एस एस जो कर्व है वो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। इस तरह से हम देखेंगे कि जो श्रम की पूर्ति है वो वास्तविक मजदूरी का प्रत्यक्ष तथा सीधा फलन है, अर्थात जैसे जैसे वास्तविक मजदूरी बढ़ रही है श्रमिकों की पूर्ति है वो भी बढ़ रही है। तो श्रम का पूर्ति वक्र एस एस नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, इससे सिद्ध होता है कि श्रम की पूर्ति तथा वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष संबंध है। तो अब रोजगार का स्तर कहाँ निर्धारित होगा, जिस बिंदु पर श्रम की पूर्ति तथा श्रम की मांग एक दूसरे को काटेंगे, ये श्रम का पूर्ति वक्र है और यहाँ हमने श्रम का मांग वक्र ड्रॉ कर लिया, ये डी डी डिमांड कर्व फॉर लेबर। ई बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ई बिंदु पे देखो ओ एन श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाएगा और उनको ओ डब्ल्यू मजदूरी दी जाएगी। तो इस तरह से श्रम की मांग वक्र तथा श्रम के पूर्ति वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पे रोजगार का स्तर निर्धारित होगा तथा उसी बिंदु पे उत्पादन का स्तर निर्धारित होगा। उत्पादन का स्तर इसके साथ ड्रॉ करते हैं हम, ये ओ वाई एक्सिस पे आउटपुट लेंगे हम उत्पादन, ओ एक्स एक्सिस पे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार। इसी डायग्राम से ड्रॉ करेंगे हम, जब ओ एन श्रमिकों को हमने काम पर लगाया तो
ये OS प्रोडक्शन कर्व हमने ड्रॉ किया, तो जब ON श्रमिकों को हमने काम पर लगाया तो ये PN के बराबर, इस डायग्राम को आपने एक्चुअली इसके ऊपर ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर दिया है इस डायग्राम के। तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसमें श्रम की मांग और श्रम का पूर्ति वक्र जहाँ काट रहे हैं वहाँ ON श्रमिकों को रोजगार पर लगाया जाएगा तथा उनका उत्पादन, ये उनकी जो सॉरी मजदूरी है वो EN या OW मिलेगी। और जब ON श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा तो वो PN या इसके बराबर उत्पादन करेंगे, इतना PN के बराबर। तो इस तरह से ये उत्पादन प्रोडक्शन कर्व हमने इसी के साथ ड्रॉ करना है। तो इस तरह से श्रम का मांग वक्र और पूर्ति सॉरी श्रम के मांग वक्र और पूर्ति वक्र से हमने उत्पादन के स्तर का निर्धारण किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना इस क्लासिकल थ्योरी को की आगे व्याख्या करेंगे। थैंक यू।